मैं नाराज ये था कि शैलिन चोपड़ा एक बर्थडे में आती है राखी सावंत के साथ, वो सूर्य पढ़ती है, दुआ पढ़ती है, जो दुआ बिना, जैसे हम लोग कुछ दुआ पढ़ते हैं पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं। राखी सावंत उम्रा करके आई, मुझे क्या सबको अच्छा लगा, जितने मुस्लिम भाई बहन है सबको अच्छा लगा, माशाल्लाह वो बहुत किस्मत वाली है जो उम्रा करके आ गई। मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं खुद नियत किया हूँ कि मैं उम्रा करने जाऊँगा, बट अभी देखो किस्मत में कब है। तो एक बर्थडे में राखी शैलिन चोपड़ा, जिस बात पे मैं गुस्सा हुआ था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे सूर्य पड़ती है, उस किस कपड़े में पहनती है। अब इनको फेमस होने के लिए हमारी किताब को कहीं भी आप सूर्य हमारी दुआ को पढ़ रहे हो, ये मैं नहीं, हमारे मुसलमान भाई बहन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके धर्म में गीता है, वो उनको गीता पढ़ना चाहिए, और गीता हो या कुरान हो उसको पढ़ने के लिए मतलब एक सुकून की जगह चाहिए, सर जो है ढका होना चाहिए, और किस हालत में है वो वही जानती हैं। तो फेमस होने के लिए मेरा ये कहना है कि फेमस होने के लिए हमारे इस्लाम को या किसी भी धर्म को इस्तेमाल मत करो। राखी और आदिल का जो झगड़ा है वो उनका मियाँ बीवी का मैटर है, उनसे उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जहाँ मेरे इस्लाम की बात आएगी मैं वहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या मैं रोड पे फरते चलूँ? किताब है, बहुत पाक चीज़ है, आपकी भी किताब है, और फेमस होने के लिए किसी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप बेसिकली क्या चाह रहे हैं शैलिन चोपड़ा और राखी सावंत? मैं यही चाहता हूं कि किसी भी धर्म की किताब हो, दुआ हो, वो इस्तेमाल मत करो। आपका झगड़ा है, पुलिस है, कोर्ट है, वहां पे जाके सॉल्व कर लो। राखी ये कहती कि उन्हें फंसाया गया और उनको कन्वर्ट किया गया, क्या कहना चाहोगे इसको? राखी सावंत से मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जब उन वो प्यार की शादी की तो किसी मुसलमान से पूछ के ये नहीं कि मैं आदिल से प्यार कर सकती हूँ। उनका दिल आया उन्होंने प्यार किया, वो उनका दिल आया उन्होंने शादी कर ली। तो कोई भी मुसलमान से ये पूछी थी कि मैं मुसलमान बन जाऊँ? आदिल का उनका मैटर है, इसमें पूरे मुसलमान को बार बार जो ये बोल रही है कि मैं मुझे मुसलमान बना दिया, आप अपने से खुद बनी है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बनाया। नहीं, वो कह रही कि उन्होंने कन्वर्ट करवाया, ऐसा उन्होंने बोला। तो जो कन्वर्ट करवाया है, अगर वो उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं दे रहे तो उनके ऊपर FIR करो, पुलिस के पास जाओ। उनकी वजह से पूरे समाज मुसलमान को आप कुछ नहीं बोल सकते। वो कह रही सारे मौलाना जो होते ना, जो धर्म गुरु, उनसे इंसाफ मांग रही है। इंसाफ मांग रही है, कैमरे के सामने इंसाफ नहीं मिलता, जो भी मौलाना है जो भी उनके पास जाके मिलता है, कैमरे पे बकबक करके नहीं मिलता इंसाफ। जो इन दिनों वो बुरखा पहन रही है, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज नहीं पहनी उन्होंने। वो भाई वो क्या करती है उनको खुद नहीं मालूम कि मुझे अभी क्या करना है, इसीलिए बोलती मैं, वो उनके ड्रेस से मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस मेरे इस्लाम, मेरे कुरान को, मेरी दुआ को। शैलिन चोपड़ा कैसे पढ़ी उसकी औकात नहीं है, वो खुद अगर पूजा पाठ वाली है वो अपनी गीता पढ़े ना कैमरे के सामने। फेमस होने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ को टारगेट बनाया जाता है, मुसलमान। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को तकलीफ दो, हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि किसी को नज़र से नज़र मिला के मत देखो, लेडीज़ को। हमारा इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है, नफ़रत करना नहीं सिखाता। तो शैलिन चोपड़ा के लिए क्या मैसेज है? मैं शैलिन चोपड़ा से यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शैलिन चोपड़ा, कि हमारे धर्म से मजाक और हमारी दुआ से और हमारी किताब से मजाक करना बंद कर दो। आपके जो धर्म में है, आप गीता पढ़ो, बाइबल है वो पढ़ो, जो भी है, बस मैं यही उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप जैसे कि अगर वो कहेंगे कि आप कौन होते मुसलमानों के लिए, हर एक मुसलमान का हक है कि अगर उसकी किताब को ऐसे रोड पे पढ़ी जाएगी या मेरा मुसलमान भाई पढ़ेगा तब भी मैं उसको रोकूंगा। ये वो चीज़ सुकून से पढ़ने के लिए बनी है, उसके लिए एक जगह बनी है, पाक साफ जगह बैठ के पढ़ सकते हो, कहीं भी खड़े होकर नहीं पढ़ सकते।
थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू।